आपको सुन के हैरानी हो रही होगी कि मोदी सरकार ने 22 YouTube चैनल को बैन कर दिया है। YouTube ने बैन नहीं करा, मोदी सरकार ने करा है, जिसमें से 18 इंडियन YouTube चैनल है और 4 पाकिस्तान के YouTube चैनल है, 3 ट्विटर के अकाउंट है, 1 फेसबुक का अकाउंट है और 1 वेबसाइट। इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन मोदी सरकार को क्यों लेना पड़ा, ये जानने के लिए वीडियो जरूर देखें। ये सारी डिटेल्स PIB रिलीज में बताई गई है। अगर आपको ये नहीं पता कि PIB रिलीज क्या होता है, गूगल में जाके आप PIB रिलीज लिखे और आपको ये जो फर्स्ट लिंक देख रहा है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, गवर्नमेंट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे बताया गया कि 22 YouTube चैनल, ट्विटर, फेसबुक और वेबसाइट को बैन करा गया। अब सबसे बड़ा रीजन क्या है बैन करने का, अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले YouTube की एक अपडेट आई थी जिसमें न्यूज चैनल के लिए एक फॉर्म फिल करना था। अगर आपका YouTube में न्यूज चैनल है तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वो फॉर्म डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाएगा। इंडियन की राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड गलत न्यूज फैलाई गई है, फेक न्यूज फैलाई गई है, मोदी सरकार ने इसलिए इतना बड़ा डिसीजन लिया। आप मेरे साइड में देख सकते हो वो कौन कौन से चैनल है जिनको बैन करा गया। मैं एक चीज पहले भी बोलता था और आज भी बोल रहा हूँ, भले स्लो स्पीड से चलो, कम इनकम हो रही है, कम कमाओ, पर फेक न्यूज के चक्कर में, व्यूज, पैसे के चक्कर में अपनी लाइफ को खराब मत करो। जितनी भी ये वेबसाइट्स दिख रही है आपको, इसमें मिलियंस में व्यूज है और उन मिलियंस व्यूज का आज की डेट में कोई फायदा नहीं है। सारी मेहनत मिट्टी में चली गई सिर्फ फेक न्यूज के चक्कर में। अगर सही न्यूज देते रहते तो एटलीस्ट इनकम तो होती। इस तरह की चीजें कभी ना करें, चाहे आपका कोई भी चैनल है, किसी भी कैटेगरी में है, सिर्फ कुछ टाइम तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, पर ज्यादा देर तक आप फायदा नहीं उठा पाएंगे, फिर से आपका चैनल बैन होगा और फिर से आपको एक नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा। और नए तरीके से फिर से शुरू करना मतलब दोबारा से वही मेहनत करना। स्लो स्पीड से चलो और इनकम होती रहेगी, अगर फास्ट के चक्कर में रहोगे तो यही रिजल्ट मिलेगा। अब YouTube ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट भी आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, इसलिए आप सोच समझ के काम करें और हमेशा सेफ रहें।